ड्रीम गर्ल, सपनों की वो लड़की जिसके साथ आप जीना चाहते हैं, अपने हर सुख दुख में उसे शामिल करना चाहते हैं, जो वास्तविकता से परे है लेकिन आप उसे पाना चाहते हैं। इसी ताने बाने से बनी फिल्म है आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म ड्रीम गर्ल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव और हर फिल्म कुछ कहती है के तहत आज मैं बताऊंगा कि यह सुपरहिट फिल्म समाज को क्या संदेश देती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक फ्रेंडशिप कॉल सेंटर से। ये कॉल सेंटर एक छोटे से शहर की इलेक्ट्रॉनिक दुकान के पीछे रात में चलता है। यहाँ लड़कियाँ पुरुषों को कॉल करती हैं, उनसे रोमांटिक बातें करके उनका बिल बढ़ाती हैं, जो उनकी कमाई का जरिया भी है। तन्हा रहने वाले लोग उस महिला की ओर आकर्षित होते हैं, कई लोग तो उनके दीवाने बन जाते हैं और उसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं। पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार नौजवान करमबीर सिंह आयुष्मान खुराना है, जो इस कॉल सेंटर में नौकरी के लिए जाता है। करमबीर सिंह लड़की की आवाज़ निकालने में माहिर है। वह रामलीला और कृष्ण लीला जैसे आयोजनों में राधा और सीता का किरदार निभाता है, जिसकी वजह से उसको लड़की की आवाज़ निकालने में महारत हासिल है। उसे कॉल सेंटर में जॉब मिलती है, उसका नया नाम रखा जाता है पूजा। उसकी मधुर आवाज़ और मदहोश भरी बातों की वजह से कई लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं। उसके दीवानों की फहरिस्त में पुलिस वाले से लेकर हरियाणवी गुंडे भी शामिल हो जाते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। अपने दीवानों से पीछा छुड़ाने में पूजा यानी करमबीर सिंह को अपने दोस्त इस्माइली और प्रेमिका माही का साथ मिलता है, लेकिन सबसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता है। और कैसे पीछा छुड़ा पाती है पूजा, यह सब जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना ही होगा। फिल्म में आयुष्मान ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी रोल में जान डाल सकते हैं। अन्नू कपूर, विजय राज अपने किरदार से लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। वहीं नुसरत भरूचा की खूबसूरती आपको आकर्षित करती है। फिल्म ड्रीम गर्ल पैसा वसूल है, इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म ने जैसा कि हर फिल्म कुछ कहती है वैसे ही हंसी ठाहकों के बीच एक सामाजिक संदेश भी दिया है कि किस तरह इंसान हजारों फेसबुक फ्रेंड होने के बाद भी अकेला है। उसके पास अपना दुख दर्द बांटने और समझने के लिए इतने दोस्तों के बाद भी कोई नहीं है, जिसके चलते वह अपनों को छोड़ अनजाने साथी की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन वह साथी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ड्रीम गर्ल एक शानदार फैमिली फिल्म है, जिसे आप ना देखकर घंटों हंसने का मौका गवा सकते हैं।